हेलो दोस्तों, मेरा नाम विशेष मलिक है। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्विच पर वीटीपी कैसे कन्फिगर करते हैं। तो जैसे कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया कि वीटीपी का जो ट्रांसपेरेंट मोड स्विच होता है वो वीलैन की इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है और खुद के वीलैन क्रिएट कर सकता है। अब हम लोग यहाँ पर ये डिस्कस करेंगे क्या ट्रांसपेरेंट ऑपरेटिंग मोड नेक्स्ट स्विच को वीलैन की इंफॉर्मेशन को पास करता है या नहीं करता है। चलते हैं थर्ड स्विच पर। ये देखिए जरा, तो इसके लिए सबसे पहले आप यूजर मोड से प्रिविलेज मोड में आइए विद द हेल्प ऑफ इनेबल कमांड। ये देखिए प्रिविलेज मोड में हम लोग आ चुके हैं। सबसे पहले हम लोग कमांड यूज करते हैं शो VTP स्टेटस। यहां पर आप देख सकते हैं हमने कमांड यूज की शो VTP स्टेटस, नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग VLAN 5, VTP ऑपरेटिंग मोड सर्वर। ठीक है, इसके बाद शो VLAN, VLAN की इंफॉर्मेशन को चेक करने के लिए यहां पर भी आप देख सकते हैं इस स्विच के पास केवल अभी डिफॉल्ट वीलैन है जो कि फर्स्ट वीलैन है। चलिए अब हम लोग कॉन्फ़िगर मोड में चलते हैं विद द हेल्प ऑफ कॉन्फ़िगर टर्मिनल, और यहां पर हम लोग इस स्विच का वीटीपी ऑपरेटिंग मोड चेंज करते हैं। तो उसके लिए वीटीपी मोड, इसको भी मैं बना रहा हूं क्लाइंट, टाइप कीजिए और एंटर की प्रेस कर दीजिए। सेकेंड थिंग, अभी मैं ऐसा करता हूं इस स्विच के साथ में पासवर्ड की इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करता हूं। जस्ट मैंने इस स्विच को वीटीपी क्लाइंट मोड डिसाइड किया इस स्विच के साथ, लेकिन पासवर्ड अभी मैं डिसाइड नहीं करता हूं, पासवर्ड मैं बाद में डिसाइड करूंगा। और क्योंकि इस स्विच को नेक्स्ट किसी भी स्विच के साथ में वीलैन की इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं करना है, तो इस पर ट्रंक को कॉन्फ़िगर करने की भी या ट्रंकिंग इनेबल करने की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। जस्ट आप कंट्रोल जेड कीजिए यहां पर, और यहां पर देखिए जरा शो वीटीपी स्टेटस। अब वीटीपी ऑपरेटिंग मोड क्लाइंट हो चुका है, लेकिन अभी भी नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलैन 5 ही है। डोमेन नेम शेयर हो चुका है लेकिन नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग इंक्रीज नहीं हुए हैं। नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलैन जो पहले थे जो वही एज इट इज 5 है, क्योंकि हमने इस स्विच पर लास्ट स्विच के या पिछले स्विच के पासवर्ड की इंफॉर्मेशन को शेयर नहीं किया है, जो स्विच इसके साथ में वीलैन की इंफॉर्मेशन को शेयर करेगा। ठीक है, क्लियर है दोस्तों? तो जब तक वो पासवर्ड की इंफॉर्मेशन मैच नहीं होगी दोनों स्विच की, तब तक स्विच जो है अपने वीलैन की इंफॉर्मेशन नेक्स्ट स्विच को शेयर नहीं करेगा। तो वीलैन की अब हम लोग दोबारा से कॉन्फ़िगर मोड में चलते हैं, और यहां पर वीटीपी पासवर्ड स्पेस पासवर्ड की इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं, सेम पासवर्ड डिसाइड करते हैं वीटीपी पासवर्ड सीसीएन ने, एंटर। अब देखिए दोबारा से कंट्रोल जेड करते हैं और दोबारा से यहां पर शो वीटीपी स्टेटस टाइप करते हैं और एंटर की प्रेस करते हैं। अब यहां पर आप लोग देख सकते हैं नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग वीलैन के नंबर जो है वो इंक्रीज हो चुके हैं, यानी कि ट्रांसपेरेंट स्विच ने इस क्लाइंट स्विच के साथ अपने वीलैन की इंफॉर्मेशन को शेयर किया। ये देखिए 7 हो चुके हैं। चाहे तो अब आप यहां पर शो वीलैन कमांड के द्वारा भी आप चेक कर सकते हैं। ये देखिए जरा, ठीक है दोस्तों, लेकिन ट्रांसपेरेंट स्विच के पास अभी भी वो वीलैन अवेलेबल नहीं है। ये जस्ट रिसीव करता है और नेक्स्ट स्विच को सेंड कर देता है या फॉरवर्ड कर देता है। तो इस तरह दोस्तों हम लोग कैसे
किसी भी स्विच पर VTP यानी कि VLAN ट्रंकिंग प्रोटोकॉल कॉन्फ़िगर करते हैं।